एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेघा एंड यू वाचिंग मेघाज ब्यूटी लैंड। सो जब भी हम पार्लर में जाके अपने हेयर्स पे कोई स्ट्रेटनिंग, रिबाउंडिंग या फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें अपने बाल बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद में हमारे बाल हीट और केमिकल की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और बिल्कुल बेजान से दिखने लगते हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ ऐसा नेचुरल तरीका जिसके रेगुलर यूज़ से आप अपने बालों को घर पे ही स्ट्रेट कर सकते हो बिना किसी केमिकल के, बिना किसी हीट के। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। इस हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कोकोनट मिल्क। आप चाहे तो कोई भी मार्केट वाला कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फ्रेश कोकोनट मिल्क तैयार करने जा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक फ्रेश कोकोनट लिया हुआ है। मैंने इस कोकोनट को एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। कोकोनट को फ्रीज़र में रखने से इसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ईजी हो जाता है। मैंने यहाँ पर ये सारा कोकोनट एक्सट्रैक्ट कर लिया है और अब हम इससे कोकोनट मिल्क तैयार करेंगे। सो कोकोनट मिल्क तैयार करने के लिए आप इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इस कोकोनट को ग्रेट कर रही हूँ। इस तरीके से कोकोनट को ग्रेट करने से कोकोनट मिल्क बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और ये इजीली मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाता है। अब मैं एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेकर इसमें कोकोनट को ऐड कर दूँगी और अब हम इसमें एक कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब एक बड़े से बोल के ऊपर हम एक स्ट्रेनर रख के इस कोकोनट मिल्क को अलग कर लेंगे। सो अब हमारा कोकोनट मिल्क बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें एक बार और पानी डाल के इसमें से कोकोनट मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इस कोकोनट मिल्क में ऐड करेंगे हाफ लेमन। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के इसको 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद में ये कोकोनट मिल्क हमारा दही में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 to 5 drops ऑफ ऑलिव ऑयल। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप विटामिन ई एंड ऑलिव ऑयल को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ज़रूर ऐड करें। ये आपके बालों में बहुत ही अच्छी सी शाइन प्रोवाइड करेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आपके पास में जो भी एलोवेरा जेल है आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर 1 tablespoon ऑफ एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। तो मैंने यहाँ पर 1/2 tablespoon ऑफ ग्लिसरीन इसमें ऐड कर दिया है। ग्लिसरीन हमारे बालों को स्मूथ बनाता है और हमारे बालों से फिजीनेस को रिमूव करता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 banana। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा ये क्रीमी सा जेल बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए जिससे कि ये हेयर मास्क आपके बालों में अच्छे से काम कर सके। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए जिससे कि आपके बाल उलझे ना और ये हेयर मास्क आपके बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके। अब मैं एक ब्रश की हेल्प लेकर इस हेयर मास्क को अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लूँगी। आप इस हेयर मास्क को अपने स्कैल्प और बालों की रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर आप इस हेयर मास्क को अपने बालों के एंड्स पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई करें जिससे कि हमारे बालों के जो स्प्लिटेंट्स हो जाते हैं वो ना हों, क्योंकि जनरली हम अपने बालों के एंड्स को ज़्यादा अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं जिससे कि इनमें स्प्लिटेंट्स हो जाते हैं। तो अब मैंने इस हेयर मास्क को अपने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने बालों में एक बन बना के एक हेयर बैंड से अपने बालों को सिक्योर कर लूँगी। अब आप चाहें तो एक शावर कैप भी पहन सकते हैं, इससे आपके बालों को हीट मिलेगी और आपका हेयर मास्क और अच्छे से वर्क कर पाएगा। और ये हेयर पैक हमारे बालों के रूट तक जाकर उनको अच्छे से नरिश कर पाएगा। अब हमें इस हेयर मास्क को अपने बालों पे 1/2 से 1 घंटे के लिए अप्लाई करके रखना है और 1 घंटे के बाद में आप अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर से वॉश कर सकते हैं। इस हेयर पैक को आप मंथ में 2 बार ज़रूर ट्राई करें। इस हेयर पैक के रेगुलर यूज़ से आपके बाल एकदम सिल्की स्मूथ एंड स्ट्रेट बन जाएंगे।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आप इस ट्रीटमेंट को मंथ में एक बार भी करते हो तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।